हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एडी क्रिकेट न्यूज। तो जैसे कि आप सभी लोग जानती है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सीरीज खत्म होने के बाद इंग्लैंड इंडिया में टूर करने वाला है, मतलब इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट ओडीआई और T20 मैचेस खेला जाने वाला है। और अगर उसका शेड्यूल आप लोगों को अभी तक नहीं मिला है और पता नहीं है, तो मैं एक वीडियो अलग से बनाया हूँ उसके बारे में, पूरा शेड्यूल को एनालिसिस किया हूँ डिटेल करके, मतलब कौन सा वेन्यू में, कौन सा डेट में, कौन सा टाइम में खेला जाने वाला है। तो वो अगर आप लोगों को देखना हो तो वो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाकर भी आप लोग वो देख सकते हैं। तो आप सभी लोग अभी जानती है कि 2021 में T20 वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जाने वाला है, और इसीलिए BCCI ने डिसाइड किया है कि इंग्लैंड के साथ इंडिया कुल 5 T20 मैचेस खेलने वाला है, जिसमें मतलब दोनों टीमों का ही बहुत ही बढ़िया तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगा और पूरा स्क्वाड भी रेडी हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो T20 मुकाबले होने वाला है, उसमें कौन कौन सा प्लेयर्स को इंडियन स्क्वाड में रखा जाने वाला है। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम इंडियन टीम के बैटिंग लाइनअप की बात करें, तो जिन लोगों का सबसे पहले नाम आता है उनमें नाम है विराट कोहली, शिखर धवन और रोहित शर्मा, इन तीनों खिलाड़ी तो कंफर्म है। उसके साथ श्रेयस अय्यर को चांस देना चाहिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर बहुत ही बढ़िया किया था लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कुछ अच्छा नहीं कर सका था, लेकिन श्रेयस अय्यर बहुत ही मैच्योर खिलाड़ी है तो उनको तो चांस देना चाहिए। उसके साथ संजू सैमसन को भी रखना चाहिए अपने टीम में, और लास्टली सूर्य कुमार यादव को भी चांस देना चाहिए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव बहुत ही बढ़िया फॉर्म से जा रहा है और मतलब उनको चांस मिलना चाहिए, और उनको अगर चांस मिलता है तो मुझे तो लगता है वो बहुत ही बढ़िया खेल सकता है इंग्लैंड के अगेंस्ट। और जो दो खिलाड़ी मतलब ऑस्ट्रेलिया के टीम में था लेकिन इस टीम में नहीं रहने वाला है, तो वो दोनों होने वाला है मनीष पांडे और मयंक अग्रवाल, इन दोनों को टीम से निकाला जा सकता है मुझे तो लगता है। आप लोगों को क्या लगता है वो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो उसके बाद अगर विकेट कीपिंग की बात करें, तो विकेट कीपर बैट्समैन की ओर अगर नज़र दिया जाए, तो सबसे पहले जिसका नाम आता है उनमें नाम है KL राहुल का, तो ये तो कन्फर्म है ये खेलने ही वाला है T20 में। और जो दूसरा नाम आता है, तो दूसरे नाम पे मतलब मैं रखना चाहूँगा ऋषभ पंत और ईशान किशन के बीच में कोई भी एक को। तो आप लोगों को क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा प्लेयर्स को इस टूर में रखना चाहिए, मतलब देखना चाहिए कि कौन अच्छा खेल सकता है, तो वो अगर आप लोगों को पता हो तो वो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम ऑलराउंडर की बात करें, तो फर्स्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तो मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है, हार्दिक पांड्या फर्स्ट चॉइस होने वाला है और ये तो बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। और उसके साथ अगर स्पिनिंग ऑलराउंडर की बात करें, तो उसमें आता है रविंद्र जडेजा और उसके साथ वाशिंगटन सुंदर, इन मतलब तीनों ऑलराउंडर को रखना ही पड़ेगा अपने टीम मतलब स्क्वाड में। तो उसके बाद लास्टली अगर हम बात करें बॉलर्स की, तो बॉलर्स की लिस्ट में अगर फास्ट बॉलर्स की बात करें, तो फर्स्ट बॉलर में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, टी नटराजन, और अगर भुवनेश्वर कुमार मतलब चोट अगर भुवनेश्वर कुमार का ठीक हो जाता है, तो भुवनेश्वर कुमार को ही फर्स्ट चांस देना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है और वो मतलब इंडिया का मतलब क्या बताए, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। और उसके साथ अगर भुवनेश्वर कुमार का प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है, तो उसके साथ नवदीप सैनी या फिर दीपक चाहर, इन दोनों के बीच में कोई भी एक को खिलाया जाएगा, मतलब स्क्वाड में रखा जाएगा। तो आप ही बताइए कि इन तीनों में से मतलब नवदीप सैनी, भुवनेश्वर कुमार और दीपक चाहर, इन तीनों में से कौन सा प्लेयर्स को रखना चाहिए स्क्वाड में, तो वो आप मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बता सकते हैं। और उसके बाद लास्टली अगर स्पिनर की बात करें, तो मुझे तो लगता है एक ही स्पिनर को खिलाना चाहिए, क्योंकि दो ऑलराउंड विकल्प है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्पिनर है ऑलराउंड में, और मैं चाहूँगा कि सिर्फ युजवेंद्र चहल को लिया जाए। तो आप लोगों का क्या राय है, इन 16 में कौन सा प्लेयर्स को ऐड किया जा सकता था किसके बदले में, वो अगर आप लोगों को पता हो तो वो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं, और आपका राय भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो ऐसे ही वीडियो अगर आप लोगों को डेली देखना हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।